कह सकिए कि वजीफे के पैसे से वो पंजाब सरकार दे नहीं रही थी, जिस ना करके गरीब विद्यार्थियों के भविख में खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने रोल नंबर नहीं जारी हो रहे, बहुत सारे विद्यार्थी दाखला नहीं ले सके, बहुत सारे विद्यार्थियों के जोड़े सर्टिफिकेट से डी एम सी वो रोकी बैठे से कॉलेज मैनेजमेंट। अज पंजाब सरकार ने ऐलान किया कि जोड़ा साढ़े हिस्से का 40% असी वो देवे वजीफे के रूप से जिन्हें जिन्हें कॉलेजों विद्यार्थियों को लोड़ है जोड़ा बकाया पिया गा। 40% नाल साडी अद्धी जित आ गई, पर जिहड़ा घटाला होया उहदे परचा दर्ज करके बरखास्त किया जाए। 15 दिनों के कार्रवाई ना हुई तो आम आदमी पार्टी पंजाब लैवल से फिर बड़ा अंदोलन शुरू करूगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ नौकरियों की गल ला लो, अज बाजवे के मुंडे नूं इंस्पैक्टर लाता 33 करोड़ रुपया उन्होंने साल की इनकम है, 3 करोड़ वाली गड्डी च रहिंदा, 3 करोड़ वाली गड्डी च रहिंदा, 33 करोड़ साल की इनकम उन्हें अपनी रिटर्न च दिखाई हुई है, उन्होंने बेरोजगार दिखा के उन्होंने नौकरी दी है। साढ़े बच्चे सड़कों पर रुड़ी जाते हैं, भुखे मरी जाते हैं और रुजगार ना होने करके लोग बाहर जाई जाते हैं। आम आदमी पार्टी वालों 15 तरीक तो लगातार 22 तरीक तक प्रोटेस्ट शुरू किया गया, जिदे इन्हों वालों भुख हड़ताल भी शुरू की गई थी। साधु सिंह धर्मसोत वालों SC वर्ग के जोड़े वजीफे खाधे गए थे, उसू लैके इन्हों वालों प्रोटेस्ट जारी किया गया कांग्रेस सरकार के विरोध के विच के इन्हां दीआं मंगां सी कि साधु सिंह धर्मसोत ते कार्रवाई होनी चाहिए आ, ते जो वजीफे खाधे गए सी ओह भी बच्चों के आने चाहिए आ। उस तो बाद पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी की जिहड़ियां मंगां मन्नियां ने, जिस दे विच वजीफे देण दी गल कीती गई आ, गल करांगे इन्हां नाल पूरा मसला की सी ते की मंगां मन्नियां गईआं जिस ते अज इन्हां वल्लों इह प्रोटेस्ट खत्म किया गया। गुरप्रीत जी, की अज पूरा प्रोटेस्ट सी, की अपना प्रोटेस्ट अज खत्म किस तरीके नाल होया? जो गरीब विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जां कह सकीए कि वजीफे के पैसे सी वो पंजाब सरकार दे नहीं रही सी, जिस नाल करके गरीब विद्यार्थियों के भविख नाल खिलवाड़ हो रहा सी। उन्हां दे रोल नंबर नहीं जारी हो रहे सी, बहुत सारे विद्यार्थी दाखला नहीं लै सके सी, बहुत सारे विद्यार्थियों के जोड़े सर्टिफिकेट से डी एम सी वो रोकी बैठे से कॉलेज मैनेजमेंट। अज पंजाब सरकार ने ऐलान किया कि जोड़ा साढ़े हिस्से का 40% असी वो देवे वजीफे के रूप से जिन्हें जिन्हें कॉलेजों विद्यार्थियों को लोड़ है जोड़ा बकाया पिया गा, वो 40% कहा, पर साड़ी मंग है कि साधु सिंह धर्मसोत में भी बर्खास्त करो। असी अज 40% जोड़ा वजीफा गा जिहदा ऐलान किया गया छेती तो छेती विद्यार्थियों के खात्या च पाया जाए, तो नाल ही असी 15 दिन का अल्टीमेटम दिता गा, तां धरना समाप्त किया कि साधु सिंह धर्मसोत को बर्खास्त किया जाए। 40% नाल साडी अद्धी जित आ गई, पर जिहड़ा घटाला होया उहदे परचा दर्ज करके बर्खास्त किया जाए। 15 दिनों के कार्रवाई ना हुई तो आम आदमी पार्टी पंजाब लैवल से फिर बड़ा अंदोलन शुरू करूगी, असी साधु सिंह धर्मसोत को बर्खास्त करके रहेंगे। जो गरीब विद्यार्थियों का 40% सरकार ने पाया, वह आम आदमी पार्टी के वर्करां दी, वलंटियरां दी, नेतावां दी बहुत वड्डी जित आ, जिहदे नाल गरीब विद्यार्थियों का भविख उज्जल होगा, तो उन्होंने खात्यां च पैसे आउणगे, वह पढ़ाई अगे कर सकणगे, DMC लै सकणगे, तो नौकरियां लै सकणगे। प्रधान जी, अज जिहड़ा फिर तुहाडा इह प्रोटेस्ट खत्म किया गया, इस दे विच जिहड़ा तुहाडा भुख हड़ताल चल रही सी ओह भी खत्म हुई आ, जां तुसीं धरना ही इत्थों चक देणा अज? नहीं, अज जिहड़ा असीं संकेतक तौर उत्ते चक रहे हैं, जेकर धर्मसोत ते साधु सिंह धर्मसोत ते कार्रवाई ना हुई, 15 दिनों का अल्टीमेटम दिता है, नहीं असीं दोबारा इदों भी तिखा कोई संघर्ष उह लिखांगे जो सानूं हाईकमांड वल्लों आऊगा। की लगता गा जिहड़ा इह संघर्ष तुसीं कीता सी उहदी जित हो ही चुकी आ, जां आउण वाले समें दे विच तुहानूं लगदा वी उह बरखास्त भी करनगे, तुसीं जित फिर मन्नोगे? इस नूं असीं अद्धी जित मन्नदे आ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलो पिया बच जिहड़े गरीब बच्चे सीगे जिन्हां नूं रोल नंबर नहीं मिल रहे सीगे, उहनां दे इस नाल रोल नंबर मिलणगे और वह अगे अगलियां क्लासां च वी जिहड़े आपदी एडमिशन लै सकणगे। अद्धी जित आ, और असीं 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दित्ता, उदों बाद इदों भी तिखा जिहड़ा साडा संघर्ष होएगा। डॉक्टर साहब, की कहोगे आम आदमी पार्टी वालों सोनू संघर्ष करना पिया, सरकार की फिर अख खुली है, सरकार पहले ही क्यों नहीं अखा खोलती, वो खुद क्यों नहीं ये एक्शन लेंदी? तुहानू पता है जी, ये पंजाब सरकार दा पिछले मैं 4.5 साल तो नहीं कहूँ, 14.5 साल तो ही, पिछले पहला 10 साल तो अकाली भाजपा सरकार दा, हुण कांग्रेस सरकार दा जिहड़ा लोक विरोधी हमेशा रवैया रहा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ नौकरियों की गल ला लो, अज बाजवे के मुंडे नूं इंस्पैक्टर लाता 33 करोड़ रुपया उन्होंने साल की इनकम है, 3 करोड़ वाली गड्डी च रहिंदा, 3 करोड़ वाली गड्डी च रहिंदा, 33 करोड़ साल की इनकम उन्हें अपनी रिटर्न च दिखाई हुई है, उन्होंने बेरोजगार दिखा के उन्होंने नौकरी दी है। साढ़े बच्चे सड़कों पर रुड़ी जाते हैं, भुखे मरी जाते हैं और रुजगार ना होने करके लोग बाहर जाई जाते हैं, उन्होंने कोई नौकरियां नहीं दे रही, घर घर नौकरियों के वादे, सिर्फ आपके मंत्री के मुंडे एक तहसीलदार बनाता, एक DSP बनाता, एक इंस्पैक्टर बनाता, एक बहुत ही मंदभागी गल है और बड़ी मतलब लोगों एक गुस्से वाली गल है। जो सरकार अपनी जिम्मेवारियों तो भज रही है, तो जी मेन अपोजिशन है वह
पहला काम होंदा डेमोक्रेटिक सैटअप च लोकतंत्रिक च कि लोगों की आवाज़ उठाना लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचा और उन्हें लागू करना वो आम आदमी पार्टी ने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए वो संघर्ष किया आने वाले समय च भी करूँ इस संघर्ष में कुछ बूर पे है कि उन्होंने बच्चों के जोड़े वजीफे है वो रिलीज़ किए गए हैं आने वाले समय से जिमें कल कैबिनेट ने फैसला किया असं आस रखते हैं कि पहला तो बेशक अमरिंदर सिंह ने कोई भी ईमानदारी काम नहीं किया शायद हुण इस डर तो कि इलैक्शन भी नेड़े ने इस बहाने सी कि वह बच्चों के भविख जोड़ा है थोड़ा बहुत समरू तो उन्होंने रोल नंबर इशू हो जाएंगे। तुसी भी अज भुख हड़ताल से बैठे से जी किमें लगता गा सरकार नीतियां अच्छ सूँ जो भुख हड़ताल से बैठना पैंता चलो एक बार थोड़ी भुख हड़ताल चक्की जाती है कल जिम्मे पार्टी का फैसला भी जे उन्होंने बर्खास्त नहीं किया फिर सूँ दोबारा प्रोटेस्ट करना पू भुख हड़ताल से बैठना पू किमें देखते हो असी सरकार वाल मतलब यही देख रहे हैं क्योंकि सरकार बहुत गलत कर रही है ये तो अपन पहले ही पता है सरकार ने इन्ना गलत किया होगा तो ना तो वह वजीफे दिते वजीफे की गल निकली उन्हें सारे ही किसी कोई भी प्रोटेक्ट उन्होंने किसी ने कोई भी नहीं पूरा किया गा क्योंकि सरकार ने वादे किए वादों के पिछे भी असं चले हुए हैं कि जो भी लोगों सहूलत चाहिए असी किसी को मिली नहीं सहूलत कोई भी जे कल मतलब जो भी मंगा सी साड़ियाँ पूरी नहीं होंदिया तो साड़ी पार्टी वालों सानू हुक्म आऊगा असं फिर उस तरह ही हड़ताल से बैठांगे इसे तो दिन रात की हड़ताल करा असी फिर मतलब यही नहीं है भी असी दोपहर तक करके उठ खड़ा तो सा संघर्ष फिर बहुत ज़्यादा तिखा होगा। बिल्कुल आम आदमी पार्टी के वर्करों का कहना कि साड़ी जी इस समय वो अद्धी जित हो चुकी है क्योंकि अद्धी जित असी कहने एक बार जो 40% वजीफे आ गया कि असी पा देंगे पर इन्हों का कहना 15 दिन का एक अल्टीमेटम दिता कि साधु सिंह धर्मसोत उत्ते जी कार्रवाई होनी बनती है जे कार्रवाई नहीं होंगी तो साडे वालों संघर्ष जो होर तिखा किया जाऊ तो वड्डे रूप के संघर्ष दुबारा करा पर सरकार का भी इतने ध्यान बनता कि जेकर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो ही मंगा पूरिया करन दी गल नहीं की जानी चाहिए जेड़े इत्थे गलत करते चाहे वह उन्होंने खुद मंत्री संतरी आ उन्होंने वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए आ। मनीष शर्मा निरपक्ष पोस्ट मानसा पंजाब अते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी भी देवो साडा साथ तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट खबर दी निरपक्ष आवाज विजिट करो www.nirpakhpost.com।